ट्रांस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। हम मोहपति सर आज आपको कुछ ओ लेवल में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। इसका प्रयोग आप जो है ओ लेवल एग्जाम में भी कर सकते हैं। ओ लेवल और टीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यू कैन एड वर्ड्स नॉट अवेलेबल इन वर्ड डिक्शनरी टू, ताकि अगर आप कोई वर्ड ऐड करना चाहते हैं जो आपके डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है तो आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो हम माई डिक्शनरी का प्रयोग नहीं करेंगे, यू डिक्शनरी का प्रयोग नहीं करेंगे और यू डिक्शनरी का प्रयोग नहीं करेंगे। हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे कस्टम डिक्शनरी का प्रयोग करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, कस्टम डिक्शनरी। हम क्वेश्चन नंबर दो पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दो पूछ रहा है, पोर्ट्रेट इज यूज टू रिफर टू पेज ओरिएंटेशन व्हिच इज, अगर हमारा पेज जो है पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट क्या होता है। पोर्ट्रेट जो है जैसे हम एमएस वर्ड खोल लेते हैं तो एमएस वर्ड में जो है पोर्ट्रेट हमारा जो पेज होता है ओरिएंटेशन हमारा ये हमारा ओरिएंटेशन। तो पोर्ट्रेट जो होता है ये लंबाई में होता है अर्थात वर्टिकल में होता है, लैंडस्केप जो होता है ये वर्टिकल में होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, पोर्ट्रेट है तो वर्टिकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर हम तीन पे आते हैं, पासपोर्ट सेवा वेबसाइट। तो पासपोर्ट सेवा के लिए सबसे जो मेन ऑप्शन हमारा इसमें है www.passportindia.gov.in, यही हमारा ऑप्शन सही है। इसी के माध्यम से हम पासपोर्ट ऑनलाइन कर सकते हैं और पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर पासपोर्ट आपको ऑनलाइन करना है प्राप्त करना है तो आप इसी ऑप्शन को एड्रेस बार में आप टाइप करेंगे तो आपका पासपोर्ट सेवा का वेबसाइट खुल जाएगा और पासपोर्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चार पे आते हैं, पूछ रहा है ORS स्टैंड फॉर, पूछ रहा है ORS का पूरा नाम क्या है। तो ORS का पूरा नाम जो होता है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, वो मतलब होता है ऑनलाइन आप मतलब रजिस्ट्रेशन ये मतलब सिस्टम, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम पांचवा पे आते हैं, पूछ रहा है उमंग इज इंटीग्रेटेड विथ, अगर हमारे पास उमंग ऐप है और हम उमंग ऐप का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें हम इसके माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और रख सकते हैं। तो उमंग ऐप जो होता है इसमें हम प्रयोग करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को रखने के लिए, इसका स्पेस 2 MB होता है जो आधार कार्ड से लिंक होता है। तो हमारे इसमें आधार कार्ड होता है और डिजी लॉकर होता है, ये दोनों से लिंक होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, आधार कार्ड एंड डिजी लॉकर, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं सिक्स, तो सिक्स नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है विच बॉक्स ओवरफ्लो विथ ईमेल जनरली, जब हम जीमेल का प्रयोग करते हैं जीमेल के प्रयोग में अगर हमारा कोई ईमेल हमको प्राप्त होता है अगर कोई हमारे पास ईमेल भेजता है तो हम उसको कहाँ से देख सकते हैं कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको प्राप्त करने के लिए ऑप्शन होता है इनबॉक्स, हम इनबॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, इनबॉक्स। क्वेश्चन नंबर हम सात पे आते हैं, जीमेल इज ए सॉफ्टवेयर यूज, अगर हम जीमेल का प्रयोग कर रहे हैं तो हम इसके प्रयोग से क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है सर्च वेब पेज, तो वेब पेज सर्च करने के लिए हमको गूगल क्रोम या मोजिला
या वेपराइजर का प्रयोग करेंगे? चेक ईमेल। तो अगर हम जीमेल चला रहे हैं तो हम चेक ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी और फाइल करना है होटल या सर्च करना फाइल, इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हम यहाँ पे चेक ईमेल कर सकते हैं। तो हमारा जो है जीमेल होता है, जीमेल हम बनाएंगे तो मतलब से हम ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो हम ईमेल चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज टू ज्वाइन फेसबुक। ये पूछ रहा है कि अगर फेसबुक अकाउंट को हमको बनाना है, फेसबुक हम चलाना चाहते हैं तो फेसबुक बनाएंगे, तो फेसबुक बनाने के लिए हमको कितने ईयर का होना आवश्यक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, 13 ईयर। अगर हम 13 साल के हो चुके हैं तो हम फेसबुक बना सकते हैं, फेसबुक का प्रयोग कर सकते हैं। मिनिमम एज इसका है, बाकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आपका मिनिमम जो 13 ईयर से अगर आप नीचे हैं तो आपका फेसबुक नहीं बन पाएगा, मतलब नहीं बन पाएगा। आप सब का सही है, आप सब का सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन यूज ट्विटर लॉन्च। कुछ रहा ट्विटर जो है कब लॉन्च किया? तो ट्विटर होता है जिसमें हमारा न्यूज सिस्टम होता है, न्यूज आते रहते हैं और हम कोई अपना जानकारी ट्विटर पोस्ट कर सकते हैं। तो ट्विटर कब लॉन्च किया गया ये पूछ रहा है ऑप्शन, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ट्विटर जो लॉन्च किया गया तो 1 मार्च 2006 को लॉन्च किया गया, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 3 2006। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑप्शन हेल्पफुल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। तो हमारा एमएसवर्ड में या लिब्रे ऑफिस राइटर में हम हमारा एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं मेल मर्ज। ये मेल मर्ज होता है, इस ऑप्शन के प्रयोग से जो है हम किसी एक लेटर को कई व्यक्तियों के नाम पे अर्थात डिफरेंट पर्सन अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे भेज सकते हैं। हम इसमें एक लेटर बनाएंगे और उस लेटर को ऐसा मर्ज करेंगे कि हमारा एक लेटर कई व्यक्तियों के नाम पर तैयार हो जाए, जिसे हम प्रिंट कर सकते हैं और भेज सकते हैं। इसमें ऑप्शन होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज मेल मतलब होता है पत्र, मर्ज मतलब मिलाना होता है, पत्र मिलाना। तो पत्र मिलाने एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम एक लेटर बना करके उसको बहुत से व्यक्तियों के नाम पे तैयार करके भेज सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन होता है जो आपके राइटिंग में होता है और एमएसवर्ड में भी होता है। मेल मर्ज से हमारा एमएसवर्ड है, तो एमएसवर्ड में डेली का ऑप्शन नहीं, डेली का ऑप्शन होता है यहाँ से स्टार्ट मेल मर्ज होता है। और राइटर को लेंगे तो राइटर भी होता है हमारा। मेल मर्ज का ऑप्शन राइटर भी होता है और एमएसवर्ड भी होता है। तब लोग भी आपसे राइटर खोल रहे हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हमारा होता है मेल मर्ज, तो टूल में आप टूल में आएंगे तो यहाँ मेल मर्ज विजार्ड होता है, और मेल मर्ज विजार्ड आप यहाँ से मेल बना सकते हैं कई व्यक्ति के नाम। इसमें जो 5 स्टेप होता है, एक दूसरे रिटर्न डॉक्यूमेंट लेना है, डॉक्यूमेंट आप से टाइप करना है, फिर एड्रेस टाइप करना है, फिर क्रिएट करना है रजिस्टर और लास्ट में लेआउट रजिस्टर। तो 5 स्टेप होता है आपका, फिर कन्वर्जी होता है मेल मर्ज कई व्यक्ति काम किया। तो ये हमारे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिख बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नए नए क्वेश्चन नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बात जानते रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।